Friends, welcome to the class. Today we will discuss photoelectric effect, and your next topic is atomic spectrum. अब हम लोग study कर रहे थे particle nature of light, कि light हमारी या wave like है या particle like है. तो हम wave like वाला pattern पढ़ चुके थे, particle like हमने start कर लिया था जिसमें हमने black body radiation पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे photoelectric effect. क्या होता है ये? फोटो मीन्स लाइट. इंस्टेंट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल व्हेन लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन इट. हेनरिक हर्ट्ज नाम का एक साइंटिस्ट था, जर्मन साइंटिस्ट था, जिसने इस इफेक्ट को स्टडी किया था. व्हाट ही सेड, जब भी आप कोई मेटल सरफेस ले रहे हो उसके ऊपर अगर आप कोई पर्टिकुलर लाइट की फ्रीक्वेंसी की रेज इंसिडेंट करोगे तो जो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर निकल आते हैं. इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. और ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, दिस इज फोटो इलेक्ट्रॉन. एक्चुअली देखो, हेनरिक हर्ट्ज का क्या सेटअप था, इसने एक इवैक्यूएटेड डिस्चार्ज ट्यूब ली, जैसे आपने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में देखी थी. यहां एक मेटल सरफेस लिया, यहां जो कि कैथोड का काम करता है. इट इज कैथोड, इट इज एनोड. एनोड इज अ डिटेक्टर, जो रेज को डिटेक्ट करेगा. वो हमारे यहाँ एनोड का काम कर रहा है. इनको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया और एमीटर लगा दिया ताकि हम करंट की डिफ्लेक्शन को चेक कर सकें. तो क्या हुआ, इस मेटल सरफेस पे जैसे हमने किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेज डाली, when a light rays of particular frequency falls on the surface of metal, electrons eject हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे और वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएंगे, तो emitter में deflection आएगी. इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. क्या था, evacuated tube में हमने एक metal surface लिया that work as cathode और एक detector लिया that work as एनोड. इनको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और एमिटर लगा दिया. जैसे ही आप इसमें से ये सर्किट कंप्लीट होगा, मेटल सरफेस में से जब हम एक लाइट फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट करेंगे मेटल सरफेस पे, इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस. अब हेनरिक हर्ट्ज ने दो पैरामीटर्स को स्टडी किया. फर्स्ट वन इज He studied two parameters. कौन कौन से दो पैरामीटर्स थे वो? एक था हमारा फ्रीक्वेंसी, एक था हमारा इंटेंसिटी. पहले आप इन दोनों में मतलब फ्रीक्वेंसी आप जानते हो बच्चों, हम फ्रीक्वेंसी की जब भी बात करेंगे तो वो हमेशा रिलेटेड टू होता है कलर, कि जो हमारा अल्टीमेटली कलर प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे. इंटेंसिटी हमारी बात करते हैं हम ब्राइटनेस से. जैसे कभी बहुत ज्यादा सनी डे होता है, धूप ज्यादा होती है तो हम कहते हैं ना तेज, कितनी तेज धूप है. तो ब्राइटनेस मीन्स इंटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मोर, और डिम मतलब इंटेंसिटी कम है. तो किसी चीज का लाइट कम होना वो रिलेटेड टू होता है इंटेंसिटी, और फ्रीक्वेंसी रिलेटेड टू दी कलर. तो हेनरिक हर्ट्ज ने दो पैरामीटर को सेट चेक किया था. अब देखो, सबसे पहले मान लो मैंने किसी भी फ्री, अब देखो ये मेटल सरफेस है. अब ऐसा नहीं होता कि मैं इस पर किसी भी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डालूं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे. क्या करा हेनरिक ने, शुरू शुरू में इस पर मान लो इसको 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी चाहिए कम से कम इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए. पहले इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए मान लो 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी चाहिए. सबसे पहले हेनरिक ने मान लो 5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की रेज डाली, कुछ नहीं हुआ. 7 की डाली, कुछ नहीं हुआ. 8 की डाली, कुछ नहीं हुआ. 10 की डाली, जैसे ही वो 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इसके ऊपर फॉल करेगा, इलेक्ट्रॉन विल कम आउट.
तो ये जो हमारी मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी. क्या बोलते हैं इसे हम? थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेड बाय म्यू नॉट. इट इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन ऑफ अ इलेक्ट्रॉन. अब देखो ये हर मेटल की अलग अलग होगी, डिपेंड अपॉन इट्स सो मेनी फैक्टर्स कि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है. ये आप अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये सब फैक्टर्स कौन से होते हैं. अभी आप इतना ध्यान रखिए कि वो फ्रीक्वेंसी, अगर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही रेडिएशन निकलेंगी और वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है इज रिप्रेजेंटेड बाय थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी. और इस टाइम पे जितनी एनर्जी होगी, देखो हमने पढ़ा था पिछले टॉपिक में एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी. मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वर्क फंक्शन, जिसे हम एच न्यू नोट से रिप्रेजेंट करते हैं. वर्क फंक्शन हमारा क्या होता है? इतनी एनर्जी जो मतलब थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी इनटू में प्लैंक्स कांस्टेंट जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए कंपलसरी है, उसके बिना इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, वो हमारा क्या होता है? वर्क फंक्शन. और वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी क्या है? थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी. अब बच्चों बाय चांस मैंने यहां 10 हर्ट्ज पे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, इस पर्टिकुलर मैटर को 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चाहिए मेटल को, मैंने यहां 15 हर्ट्ज एनर्जी दे दी, मैं यहां 15 हर्ट्ज अगर मैंने एनर्जी दे दी तो क्या होगा बच्चों आपके हिसाब से? जो 5 हर्ट्ज एनर्जी है वो कहां गई? वो एनर्जी बच्चों इस इलेक्ट्रॉन को मोशन में ले आएगी एंड दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा अगर आप लोग एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो जितनी एनर्जी आपने ज्यादा प्रोवाइड कर रही है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? मोशन में आ जाएंगे. पहला फैक्टर क्लियर. दूसरा फैक्टर इंटेंसिटी. बच्चों इंटेंसिटी मीन्स मैं लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा रही हूं, मतलब लाइट हमारा क्या है? फोटॉन्स, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी. लाइट एनर्जी के छोटे पैकेट्स को फोटॉन्स बोलते हैं. अगर मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रही हूं, इंटेंसिटी बढ़ा रही हूं, तो क्या फर्क पड़ेगा? बच्चों जितने आप नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाओगे उतने इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलेंगे, और अगर जितने इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलेंगे हमारा करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी. तो दो फैक्टर आप याद रखना, इंटेंसिटी इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ फोटॉन्स, मतलब यहाँ पे एमिटर में डिफ्लेक्शन ज्यादा आएगी. फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ेंगे लेकिन उनकी मोशन बढ़ जाएगी. मतलब ये काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है, यहाँ करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ उनकी स्पीड बढ़ जाएगी. यहाँ काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज एंड इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी. तो ये दो हमारे पैरामीटर्स थे. अब एक बात और ध्यान दो, इसी पैरामीटर्स को आइंस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने भी स्टडी किया था. तो उसने क्या बोला था? आइंस्टीन ने क्या कहा था? आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट पॉइंट इसने भी यही कहा, लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स. लाइट हमारा किससे मिलकर बना है? फोटोन से. ये हमारे हेनरी हर्ट्ज ने भी कहा, पहला पॉइंट सेम. दूसरा, ईच फोटोन हैज एनर्जी इक्वल टू एच न्यू, इसने भी यही कहा. तीसरा फोटोन, तीसरा पॉइंट, ईच फोटोन, हर फोटोन कैन इजेक्ट इलेक्ट्रॉन
जब वो किसके बराबर होगा उसकी एनर्जी h nu नॉट के। ये पॉइंट भी इसने ये कहा। दूसरा इसने यही सेम बात कही कि अगर आप इसको इससे ज्यादा एनर्जी दे रहे हो तो वो एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी में। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अब समझिए काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होता है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, मास ऑफ पर्टिकुलर बॉडी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे हम यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। आप कितनी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को भेज रहे हो। अगर ये दोनों बराबर है, ये भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और जो लाइट आपने फ्रीक्वेंसी डाली है बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जीरो। वहां सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बट मूव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने मान लो ये कर दिया ज्यादा इससे, तो जितना ज्यादा करा वो किसके बराबर हो जाएगा, उसके काइनेटिक एनर्जी के। और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, एच न्यू इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर प्लस एच न्यू नॉट। बच्चों इस टर्म को मैं पहले बता चुकी हूँ, इस टर्म को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय साय। ये हमारे आइंस्टीन ने एक्चुअली ये बात बोली, इसने इसको वर्क फंक्शन का नाम दिया था। इट इज वर्क फंक्शन रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू नॉट एंड फाय। क्या होता है ये, हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब बच्चों हमारे इन दो फैक्टर से पता चलता है कि जो हमारी लाइट है वो पार्टिकल टाइप ऑफ नेचर की है। देखो कैसे, मान लो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो कैसे रहा है, ये हम एक्सप्लेन करते हैं। इसको पार्टिकल नेचर मान के, ये मेरा कोई भी मेटल है, कोई भी, मैंने इसके ऊपर लाइट पास करी, लाइट मतलब फोटोन डाला। फोटोन इज आल्सो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। बच्चों आप जानते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटल के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं, आप सब जानते हैं ना। मान लो ये मेरा लिथियम एटम है, मैंने इसके ऊपर फोटोन डाला, ये फोटोन स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, ये फोटोन अपनी एनर्जी इस मेटल को दे देगा। अगर तो वो एनर्जी इतनी पावरफुल होगी या इतनी स्ट्रांग होगी कि वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन को तोड़ देगी, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो यहां से हम ये बात तब मान के चल सकते हैं अगर हम लाइट को क्या मान के चले, वो पार्टिकल टाइप नेचर की। अगर ये एनर्जी इतनी है कि इट विल ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, सो द इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट आउट, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन विल नॉट कम आउट। इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, यही रहेगा, वो बाहर नहीं निकलेगा। दैट्स ऑल अबाउट योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर मैं लास्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कराती हूँ। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन की जब उसके ऊपर येलो लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी है, यू हैव टू फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी। आपको येलो लाइट दे रखी है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 5 × 14 per second cycle per second। पोटेशियम मेटल के ऊपर आप ये सब डाल रहे हो, इसकी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है 5 × 10^14 second। देखो भाई आपको काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इतनी है, पोटेशियम मेटल के ऊपर हम ये लाइट डाल रहे हैं,
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतनी है। अब आप बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। आप सब जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट के। इसकी वैल्यू फिक्स है, कितनी होती है 6.626 × 10⁻³⁴। मैं बेटे इसको कॉमन ले रही हूं, एच कॉमन ले लिया, बस सिंपल इसमें से इसको माइनस कर दो क्योंकि ये इंसिडेंट रेडिएशन की, ये थ्रेशोल्ड की है। 5.2 × 10⁻¹⁴ −5.0 × 10⁻¹⁴। इसको सॉल्व कर लेना, जितना भी आपका आंसर आ जाए उसको जूल्स में लिख देना बिकॉज इट इज एनर्जी। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई डाउट हो फिर भी आप लोग पूछ सकते हो। एक और क्वेश्चन देख लो, सेम वही काइनेटिक एनर्जी का ही है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसी मेटल के लिए हमें गिवन है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ पर्टिकुलर मेटल इज 7.0 × 10⁻¹⁴ सेकेंड, और हमारी फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट रेडिएशन की 1 × 10⁻¹⁵ पर सेकेंड। क्या करोगे, बस सेम यही, यहां ये पुट कर देना और यहां ये पुट कर देना, यहां हमारी एनर्जी आप कैलकुलेट कर लेना। अगर एनर्जी फालतू आएगी तो वो मोशन में इन्वॉल्व होगी, अगर आपकी एनर्जी फालतू नहीं आएगी तो वो मोशन में इन्वॉल्व नहीं होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, एक मिनट का टाइम लेके मुझे फटाफट बताओ कोई डाउट है, नहीं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूं जल्दी से। एनीबडी फ्रॉम द क्लास काइंडली कम अप एंड से इज देयर एनी डाउट। हां जी बोलो। मैम जो आपने थ्रेशोल्ड जो फ्रीक्वेंसी बताई है एक बार दोबारा रिपीट कर दो। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों, ऐसी एनर्जी जिसके बिना इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। जैसे मान लो हमारी एलिजिबिलिटी होती है ना, कि अगर आप मान लो आपको कहीं कहीं एडमिशन लेना है तो उनका जो एंट्रेंस टेस्ट है, जब तक आप वो क्वालिफाई नहीं करोगे आप आगे नहीं जाओगे। सिमिलरली आप अगर इतनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन उस मेटल के ऊपर नहीं डालोगे तब तक उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी मिनिमम चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ सके वो होता है उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और जितनी रेडिएशन आप उसके ऊपर डाल रहे हो वो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अगर ये दोनों बराबर हैं तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन की वो जो फालतू एनर्जी है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स काइनेटिक एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाएगा। इज इट क्लियर विद यू नाउ? यस मैम। एनी अदर डाउट? फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। न्यूमेरिकल्स में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही निकालना आएगा क्या? नहीं, इंसिडेंट रेडिएशन का पूछ सकते हैं, कोई तीन में से दो वैल्यू गिवन होंगी तीसरी पूछ लेंगे। मान लो मैंने काइनेटिक एनर्जी दे दी और इंसिडेंट रेडिएशन दे दी तो आप यहां से निकाल सकते हो ना, यहां जाके प्लस में हो जाएगा, ये कॉन्स्टेंट है ये निकाल सकते हो, तीनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं। वो तो कोई भी दो वेरिएबल गिवन होंगे तीसरा आपको निकालना होगा, ठीक है। योर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जरा ध्यान से समझना ये बच्चों। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पहले मैं आपको बता चुकी हूं पिछले लेक्चर में, जब हम रेडिएशंस को अरेंज करते हैं इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ में और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में जब हम रेडिएशंस को अरेंज करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। व्हेन द रेडिएशंस आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम।
स्पेक्ट्रम। अब व्हाट इज स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये हमारा टॉपिक है। आप इसे स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम दो, स्पेक्ट्रोग्राम का नाम दो, स्पेक्ट्रम का नाम दो, एक ही बात। अब हम जब व्हाट इज स्पेक्ट्रो इंस्ट्रूमेंट यूज टू सेपरेट एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सेपरेट रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। बच्चों ये जो अलग अलग रेज हैं जो हमने पढ़ी थी, सबसे कम वेवलेंथ होती है कॉस्मिक रेज की, फिर गामा रेज की, फिर एक्स रेज की, फिर यूवी की, फिर विजिबल की, फिर इंफ्रा की, फिर माइक्रो की, फिर रेडियो की। वो जो एक सीरीज मैंने आपको बताई थी जिसके नोट्स भी मैंने आप लोगों को भेजे, उन इंस्ट्रूमेंट किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा उन सभी रेडिएशंस को अलग अलग करना, उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं या उसको क्या बोलते हैं हम, स्पेक्ट्रम। मुझे ये जो इमेज मिलेगी इन सबको अलग करके मुझे जो एक पिक्चर मिलेगी वो होता है उसका स्पेक्ट्रोग्राम। क्या होता है? स्पेक्ट्रोग्राम। और इस पूरी टेक्निक को, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी। व्हाट इज स्पेक्ट्रम? ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इन रेडिएशंस को वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे अलग करता है वो क्या हो गया, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रोस्कोपी इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं। एक्चुअली इसमें होता क्या है, हमने इसमें ना एक प्रिज्म लगा रखा होता है। प्रिज्म आप लोग जानते हो, जो छोटा सा बचपन में हमें एक डायमंड मिलता था, जब उसमें से हम किसी लाइट को पास करते थे तो वो रेनबो मतलब 7 colors में टूट जाता था और हम कहते थे बच्चों देखो जादू हो गया। वो डायमंड की शेप में, डायमंड कटिंग में, या प्रिज्म आप लोगों ने लैब में देखे होंगे, जब भी आप उसमें से व्हाइट लाइट को पास करोगे तो वो टूट जाएगी। एक्चुअली क्या होता है, स्पेक्ट्रोग्राम। ठीक है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और ये हमारा पूरा प्रोसेस क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसमें क्या होता है, एक्चुअली एक प्रिज्म होता है जो लाइट को, रेडिएशंस को डिस्पर्स करता है, और एक हमें टेलीस्कोप चाहिए ताकि हम उन इमर्जेंट रेडिएशंस को देख सके कि कौन कौन सी रेज निकल रही है। मतलब एक डिटेक्टर चाहिए और एक डिफ्रेक्टर चाहिए जो लाइट को, जो रेज को डिफ्रेक्ट कर सके और फिर हम उन्हें डिटेक्ट कर सके विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन आई। तो ये सारा प्रोसेस हमारा क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इसकी जो टाइप्स होती है, टाइप्स ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ये हमारा दो तरीके का है बच्चों। एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रा। सबसे पहले, इससे पहले आप एक चीज समझ लो बच्चों, जो हमारी लाइट है वो आप सब जानते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। आप पढ़ चुके हो ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से। हमें जो लाइट का नेचर मानना है वो ड्यूअल मानना है। ड्यूअल मतलब समटाइम्स इट बिहेव्स लाइक वेव लाइट एंड समटाइम्स इट बिहेव लाइक लाइट, मतलब पार्टिकल लाइट। आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ा, इन सबका कंक्लूजन ये है कि जो हमारी लाइट है ना, दैट इज ऑफ ड्यूअल नेचर। समटाइम्स इट बिहेव्स लाइक वेव्स एंड समटाइम इट बिहेव्स लाइक पार्टिकल। तो हम ये जानते हैं लाइट हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और जो हमारी व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट एक्चुअली हमारा क्या होता है, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। ये आप जानते हो, जो हमारी व्हाइट लाइट है ये विजिबल रेंज के अंदर आता है। व्हाइट लाइट जो है हमारी वो एक्चुअली इस रेंज की होती है। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है, एक लगातार स्पेक्ट्रम है जिसमें कोई गैप नहीं है, जिसकी रेंज क्या है,
400 टू 700 नैनोमीटर। अब अगर मैं इस व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करूं, मान लो मेरी व्हाइट लाइट है, मैंने इसको प्रिज्म से पास किया, इट विल बी ब्रेक इनटू सेवन कलर्स, दैट इज विब ग्यो, जिसे आप इंद्रधनुष बोलते हो। ये क्या है, इनकी वेवलेंथ के हिसाब से टूट जाता है सात कलर में। इसकी वेवलेंथ होती है नियर अबाउट 400 और इसकी होती है 700। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये मैं व्हाइट लाइट का बता रही हूं। जब आप व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करोगे, इट विल ब्रेक डाउन इनटू सेवन कलर्स हुज रेंज ऑफ वेवलेंथ इज 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। इसकी वेवलेंथ कम है तो मतलब फ्रीक्वेंसी इस केस में इसकी सबसे ज्यादा है और इसकी सबसे कम। अब दिमाग में भूल जाओ तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है या कम है, तो याद रखो वाई फाई, वाई से वॉयलेट, फाई मतलब फ्रीक्वेंसी। ऐसे थोड़ा सा ट्रिक, वाईफाई, वाईफाई होता है ना, वायरलेस फिडेलिटी, वी डब्ल्यू आई मतलब वी हो गया, वाई फाई वायरलेस फिडेलिटी से वॉयलेट और आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो मतलब इसकी वाई फाई, फाई में हाई की आवाज भी आ रही है ना, तो इसका मतलब वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। यहां तक ये है। आज मैं आपको फटाफट से टाइप ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा बता देती हूँ, सिर्फ एब्जॉर्प्शन हो पाएगा हमारा। व्हाइट लाइट को जब हम प्रिज्म से पास करते हैं वो सेवन कलर्स में टूट जाती है। व्हाइट लाइट इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। अब आप देखिए, ये आपकी मान लो व्हाइट लाइट है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, नाम से पता चल रहा है जो कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में मान लो आपने इसको किसी मैटर के साथ इंटरैक्ट कराया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में आपने इसको व्हाइट लाइट को किसी मैटर, मैटर मतलब गैस है तो वही मैटर है, किसी मैटर के साथ इंटरैक्ट कराया, तो बच्चों क्या होगा, कुछ रेस को, इसके कुछ रेस को ये अपने में एब्जॉर्ब कर लेगी। तो मान लो ये रेस को, सम पोर्शन आर एब्जॉर्ब्ड बाय गैस, उसके बाद हमें क्या मिलेगा, हमारा जो स्पेक्ट्रोग्राम होगा वो ऐसा सा होगा। इसमें हमारा इस तरीके का ग्राफ आएगा। बच्चों ये जो मैं आपको एरिया दिखा रही हूं, ये हमारे डार्क बैंड है। आप सब जानते हैं हमारा विजिबल वाला व्हाइट लाइट वाला सेवन कलर का कलर्ड बैंड होता है, लेकिन जब मैंने व्हाइट लाइट को किसी मैटर के साथ इंटरैक्ट कराया तो मैटर कुछ रेस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करा लेगी, और जिनको एब्जॉर्ब वो नहीं करा पाई वो हमें क्या मिलेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी में, स्पेक्ट्रोग्राम में। तो ये मेरा क्या है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है, जिसमें ये जो सारा एरिया है ये मेरा कलर्ड है। मेरे पास कलर्ड चौक या वो नहीं है, मार्कर नहीं है, तो मैं बता नहीं पा रही। ये सारे हमारे कलर्ड बैंड है और ये वो एरिया कोरेस्पॉन्ड कर रहे हैं जिनको इसने एब्जॉर्ब कर लिया। जिनको ये एब्जॉर्ब नहीं करा वो हमारे पास किस फॉर्म में आएगा, कलर्ड की फॉर्म में। तो ये हमारा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। डार्क बैंड रिप्रेजेंट्स द वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड बाय द मैटर। अब हर मैटर अगर आप अलग अलग लोगे तो उस हिसाब से उसका जो कलर है वो अलग अलग आएगा, कि वो कहाँ कहाँ खाली जगह आ रही है वो डिपेंड कर रहा है आपने यहाँ मैटर कौन सा लिया। सिंपल है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, आप जानते हैं व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ सेवन डिफरेंट कलर, किसी मैटर के साथ इंटरैक्ट कराओगे वो मैटर कुछ भी हो सकता है, एनी गैस, एनी मेटल, तो वो क्या एब्जॉर्ब करेगा, जिनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाया उनका स्पेक्ट्रोग्राफ ये आएगा। इट इज अ कंटीन्यूअस कलर्ड बैंड इंक्लूडिंग सम डार्क बैंड्स,
ये डार्क बैंड क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वो रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिनको इसने एब्जॉर्ब कर लिया. सो ये जो हमारी पिक्चर है, दिस इज योर स्पेक्ट्रोग्राम एंड दिस प्रोसेस इज एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा.